अब देखो नेक्स्ट रिजल्ट देखो, अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं लिक्विड की, और वो लिक्विड की बात कर रहे हैं जो लिक्विड क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंक्लाइंड ले रहे हैं, इंक्लाइंड का एंगल कितना है, अल्फा है, और इस इंक्लाइंड में हमने क्या किया, एक कंटेनर को लाके प्लेस किया और कंटेनर में हमने लिक्विड को लाके फिल कर दिया। लेकिन अभी जो कंटेनर है, ये कंटेनर मेरा अभी कैसा है, रेस्ट में। अगर कंटेनर को हम रेस्ट में रखेंगे तो जो भी लिक्विड का लेवल रहेगा वो ग्राउंड के हमेशा क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, क्योंकि जो भी प्रेशर है, प्रेशर डिपेंड करता है लिक्विड कॉलम की हाइट पे। तो अगर कंटेनर एक्सेलरेट नहीं कर रहा है तो ये लिक्विड का लेवल इसके क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अब अगले स्टेप में हम कर क्या रहे हैं, अगले स्टेप में इस कंटेनर को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं। अब देखो मान लो अगर ये मेरा कंटेनर है और मैं इस डायरेक्शन में इसको क्या कर रहा हूं, एक्सेलरेट करा रहा हूं, तो देखो अब क्या हो रहा है, अगर इस कंटेनर को मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर की ओर एक्सेलरेट करा रहा हूं, तो प्रॉपर्टी मेरी क्या है, जिस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट करेगा उसके ऑपोजिट प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा। तो अब मैं अगर यहां पे कोई पॉइंट एक लूं और यहां पे कोई पॉइंट लूं, तो होगा क्या, इस डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है तो यहां पे प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है, तब होगा क्या, ये जो लिक्विड का लेवल रहेगा, लिक्विड का लेवल क्या होगा, चेंज होगा। और इस तरह से चेंज होगा कि यहां पे हाइट और बढ़ेगी, यहां पे हाइट क्या होगी, और घटेगी। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस कंटेनर को हम ए एक्सेलरेशन से क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। अब जब इस कंटेनर को हम ए एक्सेलरेशन से मूव कराते हैं तो उस टाइम पे जो लिक्विड का लेवल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो बताना है कि इस कंटेनर को हम कितने से यहां पे क्या कराएं, एक्सेलरेट कराएं, जिससे कि एंगल कितना बने, थीटा बने। अब थीटा की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे क्या, इससे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर एक्सेलरेशन मेरा कैसा है, कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये जो लिक्विड का लेवल है ये अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है, और ये लिक्विड का लेवल अगर अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा लिक्विड किसका अपेरेंस देता है, सॉलिड का अपेरेंस देता है। अब मान लो कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर इस कंटेनर पे बैठा है, और ये ऑब्जर्वर कंटेनर बैठ के फ्लूइड की एक पार्टिकल क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ये पार्टिकल मैंने कहां पे लिया है, सरफेस पे लिया है। अब ये ऑब्जर्वर अगर इस पार्टिकल को देखेगा तो इसको ये पार्टिकल कैसा दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। अब ये ऑब्जर्वर अगर इस पार्टिकल का फ्री बॉय डायग्राम ड्रॉ करेगा तो कौन कौन से फोर्स शो करेगा, तो एक तो शो करेगा इस डायरेक्शन में mg। अब रिजल्ट क्या होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो mg का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा, mg cos अल्फा होगा। इस डायरेक्शन में अगर mg cos अल्फा है तो इस डायरेक्शन में मेरा क्या होगा, mg sin अल्फा होगा। फिर जिस ऑब्जर्वर की हम बात कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है, और ये ऑब्जर्वर अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम पे बैठा है तो ये साथ में अप्लाई करेगा स्यूडो फोर्स। जो भी स्यूडो फोर्स रहेगा वो इस ए के क्या होगा, ऑपोजिट होगा, इसका मतलब इस इंक्लाइंड के पैरेलल होगा। तो साथ में यहां पे क्या बन जाएगा, साथ में यहां बन जाएगा एम इंटू ए। क्लियर हो? तो ये ऑब्जर्वर अगर इस पार्टिकल की स्टडी कर रहा है तो एक तो एम जी शो करेगा, साथ में स्यूडो फोर्स शो करेगा, और साथ में अगर देखोगे तो ये जो मैंने लिक्विड के सरफेस पे एक एलिमेंट कंसिडर किया है, इस एलिमेंट पे सराउंडिंग लिक्विड सभी तरफ से क्या अप्लाई कर रही होगी, प्रेशर अप्लाई करेगी, और इन प्रेशर के कारण जो भी फोर्स बनेगा वो फोर्स इस सरफेस पे कैसा होगा, नॉर्मली होगा, है कि नहीं। तो ये जो फोर्स नॉर्मली एक्ट करेगा उसको अभी हम शो नहीं कर रहे, क्योंकि अब हम प्रॉपर्टी क्या यूज करने जा रहे हैं, हम प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं कि लिक्विड जो है वो लिक्विड मेरा नॉन विस्कस है, और लिक्विड अगर नॉन विस्कस होगा तो प्रॉपर्टी क्या लिखवाई थी, देयर विल बी नो टेंजेंशियल फोर्स। तो टेंजेंट के अलोंग जितने भी फोर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहां पे ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा एम जी कॉस अल्फा, साथ में यहां पे क्या बन जाएगा, साइन थीटा। देखो एक ही नहीं है,
mg cos अल्फा का जो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा थीटा 90 माइनस थीटा, तो mg cos अल्फा sin थीटा। अब इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये एंगल तुम्हारा थीटा है, तो ये एंगल भी कितना है थीटा है। इस डायरेक्शन में अगर देखोगे तो रिजल्ट हो जाएगा mg sin अल्फा प्लस ma, और साथ में एंगल कितना निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा cos थीटा वहां पे। अब जितना भी फोर्स होगा टेंजेंट के अलोंग उसको वहां पे क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो टेंजेंट के अलोंग अगर फोर्स इक्वेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा एम जी साइन अल्फा प्लस एम ए कॉस थीटा किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। थीटा को उधर लेके जाओगे तो रिजल्ट यहां से किसकी वैल्यू मिलेगी, टेन थीटा की, और टेन थीटा क्या होगा, एम वाली टर्म कैंसिल आउट होगी, तो रिजल्ट लिखोगे वहां पे जी साइन अल्फा प्लस ए, तो एम वाली टर्म को यहां पे क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, कॉस थीटा से डिवाइड कर दो, तो टेन थीटा की वैल्यू आएगी ए प्लस जी साइन अल्फा अपॉन कितना, जी कॉस अल्फा। क्लियरली रहा? तो इस केस में अगर हम कंटेनर को, इस केस में अगर हम कंटेनर को ऊपर की ओर एक्सेलरेट करा रहे हैं, और उस केस में अगर लिक्विड के लेवल ने कंटेनर के बेस के साथ थीटा एंगल फॉर्म किया है, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जी साइन अल्फा प्लस ए अपॉन कितना हो गया, जी कॉस अल्फा। अब इसी केस को फिर से देखो यार, ये हमारा यहां पर क्या था, इंक्लाइंड था, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कितना दिया था, अल्फा दिया था, और यहां पे हमने क्या दिया था, यहां पे हमने बोला था कि कंटेनर है, और जो भी कंटेनर है कंटेनर को अगर एक्सेलरेट नहीं कराओगे तो उस केस में लिक्विड का लेवल ग्राउंड के क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा। अब इस केस में मैंने कंटेनर को एक्सेलरेट कराया था अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन अपवर्ड। मान लो अगर मैं इसी कंटेनर को ए एक्सेलरेशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से नीचे की ओर मूव कराऊं तो क्या होगा, तो फिर प्रॉपर्टी हमें क्या यूज करनी पड़ेगी, अगर ए नीचे की ओर होगा और यहां पे मैं एक पॉइंट लूं और यहां पे एक पॉइंट लूं, तब क्या होगा, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इस डायग्राम में देखो, इस पॉइंट का प्रेशर कम हो रहा है, इस पॉइंट का प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे लिक्विड की हाइट क्या होगी, बढ़ेगी, और यहां पे लिक्विड की हाइट क्या होगी, घटेगी। तो ये जो सरफेस अभी मेरा ऐसा था, ये अब अपना ओरिएंटेशन इस तरह से क्या करेगा, चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो क्या होगा, यहां पे हाइट क्या होगी, यहां पे हाइट तुम्हारी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और यहां पे हाइट क्या होनी चाहिए, इस तरह से बढ़नी चाहिए वहां पे। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब लिक्विड का सरफेस इसके पैरेलल भी होता है। क्लियर? अभी लिक्विड का लेवल ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल था, अगर मैं इस कंटेनर को नीचे की ओर एक्सेलरेट करा रहा हूं तो यहां पे प्रेशर कम हो रहा है, यहां प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो यहां पे हाइट बढ़ाने के लिए लिक्विड अपना ओरिएंटेशन क्या करता है, चेंज करता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब लिक्विड का सरफेस इंक्लाइन के क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। अब उस टाइम पे अगर मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितने एक्सेलरेशन से हम कंटेनर मूव कराएं जिससे कि लिक्विड का लेवल इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो अगेन यहां पे क्या करो, एक पार्टिकल लो। इस पार्टिकल की स्टडी हम कहां पे जाके कर रहे हैं, अब ये ऑब्जर्वर अगर इसकी स्टडी करेगा तो इस पर एक तो यह अप्लाई करेगा सीडो फोर्स इस डायरेक्शन में एम ए, इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई करेगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा एम जी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा एम जी कॉस थीटा। जो भी सराउंडिंग लिक्विड है, सराउंडिंग लिक्विड इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी, प्रेशर के कारण जो भी फोर्स रहेगा वो लिक्विड के सरफेस पर नॉर्मली एक्ट करेगा, क्योंकि लिक्विड हमारा कैसा है, नॉन विस्कस है। अब टेंजेंट के अलोंग इस एक्सेलरेशन को मैं ए डैश बोल रहा हूं, अब अगर मैं टेंजेंट के अलोंग फोर्स को इक्वेट करूं तो रिजल्ट निकल के आता है एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए डैश, इसका मतलब है ए डैश कितना होना चाहिए, जी ये एंगल अल्फा था, या फिर ये एंगल अगर अल्फा था तो इसको भी अल्फा करो, इसको भी अल्फा,
अल्फा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा ए डैश की वैल्यू जी साइन अल्फा। इसका मतलब है कि इतने एक्सेलरेशन से अगर कंटेनर, इतने एक्सेलरेशन से अगर कंटेनर नीचे की ओर आएगा तो लिक्विड का सरफेस इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। फिर देखो, अगर मान लो यही इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने क्या किया, कंटेनर को लाके प्लेस किया। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ए नॉट एक्सेलरेशन से मूव करा रहा हूं और ए नॉट की वैल्यू ए डैश से क्या है, ज्यादा है। अब बताओ अगर एक्सेलरेशन और ज्यादा होगा तो यहां प्रेशर क्या होगा, और कम होगा, यहां प्रेशर क्या होगा, और बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो अब क्या होगा, लिक्विड का लेवल अपना ओरिएंटेशन और चेंज करेगा, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब लिक्विड का सरफेस इस तरह से क्या करेगा, अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा। तो पहले लिक्विड ऐसा था, कुछ टाइम बाद ये लिक्विड इसके पैरेलल हो गया, और एक्सेलरेशन होगा तो लिक्विड अपना एंगल इस तरह से क्या करेगा, चेंज कर लेगा। अब मान लो इसने एंगल कितना फॉर्म कर लिया, मान लो इसने एंगल फॉर्म कर लिया अल्फा। अब क्वेश्चन में अगर बोल रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या है, तो बताओ आप कैसे कैलकुलेट करोगे फिर से। तो फिर से हम क्या करेंगे, इंक्लाइंड पे यहां पे एक पार्टिकल की स्टडी करेंगे। ये पार्टिकल की स्टडी कौन ऑब्जर्वर कर रहा है, वो ऑब्जर्वर कर रहा है जो कहां बैठा है, इस कंटेनर बैठा है। कंटेनर वाला ऑब्जर्वर अगर इस पार्टिकल की स्टडी करेगा तो क्या शो करेगा, एक तो शो करेगा इसके ऊपर mg का कंपोनेंट, और ध्यान रखना mg का जो कंपोनेंट आएगा, mg ये एंगल थीटा था तो था mg साइन थीटा। अब मैंने इसको यहां पे थीटा कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, अल्फा कर दिया, या तो चाहो तो फिर से इसी को, अभी हम लोग अल्फा लेके चल रहे थे, इसको यहां पे हम क्या लेके चल रहे हैं, थीटा लेके चल रहे हैं। अब अगर ये ऑब्जर्वर इस पार्टिकल की स्टडी करेगा तो एक तो शो करेगा mg साइन अल्फा, और mg साइन अल्फा ध्यान रखना इस बेस के क्या होगा, पैरेलल होगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg साइन अल्फा। साथ में फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो ये इसके ऊपर अप्लाई करेगा सीडो फोर्स, सीडो फोर्स इस तरह से आएगा m इंटू ए नॉट, है कि नहीं। साथ में इसके ऊपर एक और कंपोनेंट आएगा वेट का, और वो वेट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा, mg cos अल्फा। क्लियर क्लियर। अब ये चेक करो वहां पे कि ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान ना, ये दोनों लाइन मेरी क्या है, पैरेलल है। ये एंगल अगर थीटा तो ये एंगल भी कितना थीटा, ये एंगल अगर थीटा होगा तो इस लाइन के अलोंग देखो, ध्यान ना ये टेंजेंट है मेरा। अब टेंजेंट के अलोंग हमें फोर्स को देखना है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा mg साइन अल्फा, साथ में यहां पे क्या आ गया, कॉस थीटा। अब ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो इसका जो कंपोनेंट इसके साथ आएगा वो आएगा mg कॉस अल्फा साथ में साइन थीटा। देखो आएगा कि नहीं आएगा, mg साइन अल्फा का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन है mg साइन अल्फा कॉस थीटा, mg कॉस अल्फा का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg कॉस अल्फा साइन थीटा। फिर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल भी मेरा क्या हो गया, थीटा। इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एम ए नॉट कॉस थीटा। देखो ये कि नहीं है। अब जो भी नेट फोर्स है टेंजेंट के अलोंग उसको वहां पे इक्वेट करो, तो टेंजेंट के अलोंग नेट फोर्स को इक्वेट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा एम जी साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस एम जी कॉस अल्फा साइन थीटा। किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा किसके बराबर, एम ए नॉट कॉस थीटा के बराबर। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे टेन थीटा की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो पहले एम वाली टर्म में क्या कर देता हूं, कैंसिल आउट कर देता हूं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं, तो रिजल्ट हो जाएगा जी साइन अल्फा प्लस जी कॉस अल्फा इंटू क्या हो गया, टेन थीटा इक्वल्स टू ए नॉट। देखो यही कि नहीं है, कॉस थीटा से पूरी इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, तो अगले स्टेप में जो भी टेन थीटा आएगा, टेन थीटा आएगा ए नॉट माइनस जी साइन अल्फा। देखो आएगा कि नहीं आएगा,
टेन थीटा जो रहेगा, टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी ए नॉट माइनस जी साइन अल्फा अपॉन कितना जी कॉस अल्फा। देखो ये एक ही नियम वहां पर, अभी जो इससे पहले हमने रिजल्ट निकाला था वो था a प्लस जी साइन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा, क्योंकि उस केस में कंटेनर ऊपर की ओर जा रहा था, कंटेनर अगर नीचे की ओर जाएगा तो रिजल्ट मेरा वहां पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेक कर सकते हैं कि रिजल्ट सही है कि नहीं सही है, a नॉट की जगह जी साइन अल्फा रखो तो कंटेनर का एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा कब होगा, कंटेनर का एक्सेलरेशन जी साइन अल्फा तभी होगा जब ये सरफेस मेरा क्या होगा, फ्रिक्शन लेस होगा। तो ये सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस है तो कंटेनर का एक्सेलरेशन मेरा कितना होगा, जी साइन अल्फा होगा। ए नॉट की जगह अगर जी साइन अल्फा पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा टेन थीटा जीरो। टेन थीटा अगर जीरो तो थीटा कितना आ गया, जीरो। और थीटा अगर जीरो होगा तो इसका मतलब है कि जो भी इंक्लाइंड का, जो भी लिक्विड का सरफेस रहेगा वो बेस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट याद रखना है, अगर रेस्ट में है तो लिक्विड का सरफेस के पैरेलल है, नीचे की ओर अगर कंटेनर को मूव कराओगे तो लिक्विड अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगा। और क्यों चेंज करेगा, क्योंकि यहां प्रेशर अब डिक्रीज करने लगेगा और यहां प्रेशर इंक्रीज करने लगेगा। तो हाइट को एडजस्ट करने के लिए एक टाइम ऐसा आएगा, एक्सेलरेशन अगर जी साइन अल्फा से ज्यादा हुआ तो लिक्विड अपना ओरिएंटेशन फर्दर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। क्लियर हुआ? तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई बार इन रिजल्ट्स को भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो इतना पे, फिर मैं डिस्कस करता हूं कि अगर सरफेस रफ होगा तो क्या होगा।